को सुन लो आप। दोनों अपने बैंड पाइप लग चुके हैं और अपने सेंसर भी लगा दिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाइकर अंशु। तो आज हमें एक दिक्कत आ रही है बाइक में, हमारी बाइक में जीटी 650 जो हिमांशु भाई की बाइक है। सो उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि एक तो धूप कितनी हो रही है, धूप में बाइक हीट बहुत ज़्यादा मार रही है। ये रही बाइक अपनी, फिर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बढ़ रहा है, हीट मारती है ना, तो फिर जो अपना RPM है ये फ्लक्चुएट होता है कभी भी, और अपने आप बंद भी हो जाती है ये कुछ सेकंड में। मतलब ये देखो आपको, ये मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ, शायद अभी हो जाए तो, मतलब पहले स्टार्ट होएगी, RPM फ्लक्चुएट करता है इसका, ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने वीडियो भी देखी, बहुत सारी GT में आ रही है ये प्रॉब्लम। देखो हाँ, ये देखो अभी नीचे हो रही है, अभी ये प्रॉपर हो नहीं रही है। मैं आपको चलते चलते दिखाता हूँ ये क्या दिक्कत आ रही है। अपने आप ये बाइक बंद हो जा रही है, तो हम सोच रहे हैं वारंटी के अंदर बाइक है, तो चलते हैं आरी के शोरूम में, उन्हें दिखाते हैं, पूछते हैं क्या दिक्कत है, अपने आप बंद की हो रही है, इतनी हीट की हो रही है, और RPM फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है। तो अपने नियर बाय आरी के शोरूम में चलते हैं और दिखाते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो भाई हम वहाँ पे गए नहीं, शोरूम पे काम हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर गए हम, उन्होंने बोला कि ट्यूसडे को आना, आज नहीं हो पाएगा, थ्रॉटल बॉडी खोलनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने वो काम करवाया नहीं। फिर हम वहाँ से तिलक नगर गए दूसरे शोरूम, वहाँ पे भी ये काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा करोलबाग चलते हैं, वहाँ पे कुछ बाइक में मॉडिफिकेशन ही करवा लेंगे। तो हम यहाँ पे शॉप पे आ गए हैं, तो हम यही मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं अपना। पहले तो वाइज़र लगवा रहे हैं, फिर उसके बाद जो अपने लाइट में एक आधी मॉडिफिकेशन हमने करवाई है वो आप देख लो वीडियो में, जो ग्रिल लगवाई है एक सामने, तो यही कुछ है। बाकी एक बहुत तगड़ी चीज़, अपना एग्जॉस्ट भी हमने हेडर भी चेंज करा दिया, तो अब आवाज़ अलग ही आ रही है। अब आप वीडियो देखो आगे। तो भाई इतनी मॉडिफिकेशन करवाते करवाते फिर अब हमारा मन यहाँ भी आ चुका है। हमने सोचा स्लिप ऑन एग्जॉस्ट तो लगे ही हुए हैं अपने ग्राउलर, अब इसके अंदर हम फुल सिस्टम करवा देते हैं, हेडर भी लगवा रहे हैं। तो अब हेडर भी लगवाते हैं बड़ा, फिर आपको आवाज़ सुनाता हूँ। आज खतरनाक ही ब्लॉग होने वाला है, जहाँ तक रिएक्शन। तो अपने उसके सेंसर निकल रहे हैं, एक अपने निकल चुका बैंड पाइप, दूसरा लगा है, अब दूसरा खुलेगा, और ये रहे अपने दोनों बैंड पाइप। दोनों अपने बैंड पाइप लग चुके हैं और अपने सेंसर भी लगा दिए इसमें, ताकि कोई अपना इंजन चेक लाइट जले ना, अब वो तो स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ से भी देख लो आप, ये भी लग गया और ये भी लग गया। अब हम लगाएंगे इसमें एग्जॉस्ट और फिर आप, तो अब सुनते हैं, आवाज़ स्टार्ट करो भाई। सो भाई जैसा कि देख रहे हो सारी मॉडिफिकेशन हो गई, एग्जॉस्ट भी हमने डलवा लिया। ये चलते चलते थोड़ी और आवाज़ सुना देता हूँ आपको कि हमने क्या डलवाया। अब अपनी बाइक हो गई है पूरी फुल सिस्टम, और ये फुल सिस्टम मुझे लगता है अभी दिल्ली में तो भाई बहुत रेयर ही होगा, और इंडिया में बेशक होंगे, पर भाई जिस दुकान से हमने लगवाया ना उस दुकान ने पहली बार लगवाया। स्विफ्ट अच्छी लग रही है, और ये रही अपनी GT। अब मैं आपको थोड़ा अंडर पास में भी इसकी आवाज़ सुनाऊँगा कि क्या ही आवाज़ कर रही है भाई। मैंने नहीं सुनी ऐसी GT, मतलब तगड़ी आवाज़, तगड़ी तगड़ी तगड़ी। थोड़ी देर बस फिर मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। वैसे माइक को इतना वो नहीं जो जस्टिस करेगा, एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊँगा इस पर बिल्कुल खड़ी करके, फिर आपको एग्जॉस्ट सुनाऊँगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ है। ये बैक फायर, पूरे बैक फायर आ रहे हैं भाई पूरे, और कोई ज़्यादा मोटा खर्चा भी नहीं है भाई, ये लगा लो। अगर पूरा फुल सिस्टम भी नहीं, अपने गुरसेवक से भी सस्ते हैं, जो गुरसेवक के स्लिप ऑन आते हैं उससे भी सस्ते। ये तो कुछ ऐसी आवाज है भाई, और ये अपना आ रहा है अपना अंडरपास, वहां पे और सुन लेंगे एक बार। Thank you.
लिमिट है। आग से आंसू भी आ गए वैसे, क्योंकि मेरा हेलमेट का वाइजर निकल गया था। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अपने एग्जॉस्ट भी अच्छे लगे तो प्लीज़ हाँ, बाकी मैं एक बार घर जाके मैं वैसे भी आपको ऐड कर देता हूँ, ये लोग और बार वो सुन लो आप। हाइपर राइडिंग विद GT फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो भाई अपनी GTF पूरी फाइनल हो चुकी है, एक बार आपको खड़े होकर दिखा देता हूँ कि कैसे हाँ क्या लुक आ रहा है। ये रहे अपने हेडर दोनों, यहाँ पे कोई चेक लाइट नहीं आ रही, प्रॉपर सेंसर लग चुके हैं और इस तरफ भी लग चुका है। और ये अपनी मुझे लगता है कि भाई पहली बाइक होगी जो फुल सिस्टम, और क्या ही बैकफायर आ रहा है, आपने आवाज़ तो सुनी होगी। एक बार खड़े होकर मैं दोबारा आपको एक बार सुना दूँ। ओ नहीं नहीं ये मत पढ़ो, ये नहीं पढ़नी है। और आगे से एक बार लुक देख लो, ये रहे अपना वाइज़र और ये रहे अपने शीशे का क्या बोलते हैं ऐसे, इस नहीं नहीं हाँ इसका रेट अगर चलो पैसे बता दो पहले। जो अपना ये वाइज़र है ये 550 रुपये, और प्लस में वो अलग है, इसमें अपने लेबर चार्ज अलग है। और ये अपने ग्रिल हेडलाइट ग्रिल 900 की, इसमें भी लेबर अलग है। और एग्जॉस्ट हमें पड़ा, उन्होंने हमें 5200 बताए थे, हमने नेगोशिएट करके 4500 प्लस में लेबर। तो इसके हेडर के बता रहा हूँ मैं सिर्फ, जो अपने पीछे साइलेंसर है ग्राउलर, ये 10,500 के हमने लगवाए थे। तो टोटल कॉस्ट एग्जॉस्ट के अपने 15,000 के अप्रॉक्स है। तो एक बार मैं आपको सही से एक बार आवाज़ सुना देता हूँ, चलो भाई एक बार आइडियली स्टार्ट करना। ओनली रेव मतलब ओनली स्टार्ट बस न्यूट्रल है ना, ये अपना आइडियल नॉर्मल है, कोई बेस ज़्यादा बस बेस तगड़ा है इसका। हाँ भाई बेसक लगा के देख लेना, ये आउटपुट नहीं मिलेगा भाई, बहुत तगड़ा आउटपुट है। अगर आपको करवाना हो तो आप कमेंट डाउन करना वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।